कल कल नॉर्डिक इंडिया समिट में नई संभावनाओं की तरफ हम बढ़ने वाले हैं। मुझे खुशी है कि पूरे नॉर्डिक रीजन के साथ भी भारत के रिश्ते बहुत मजबूत हो रहे हैं। साथियों, दुनिया भर में फैले भारतीय डायस्पोरा को अगर मिला लिया जाए तो उनकी संख्या कई देशों की आबादी से अधिक होगी। उनका पहनावा, खान पान भले ही अलग अलग हो, लेकिन हमारी सोशल हार्मनी, वननेस और को एग्जिस्टेंस की जो वैल्यूज सभी भारतीयों में एक समान है, और यही हमारी ताकत है। और जिनकी रूट्स किसी भी तरह मां भारती से जुड़ी हैं, वे स्वाभाविक तरह से लोकतंत्र और रूल ऑफ लॉ के प्रति सम्मान रखते ही है। एक भारतीय दुनिया में कहीं भी जाए, वो अपनी कर्मभूमि के लिए, उस देश के लिए पूरी ईमानदारी से कंट्रीब्यूट करता है। अनेक बार जब मेरी वर्ल्ड लीडर से मुलाकात होती है तो अपने देशों में बसे भारतीय समुदाय की उपलब्धियों के बारे में मुझे बड़े गर्व से बताते हैं। वे इंडियन कम्युनिटी के परिश्रम और शांतिपूर्ण नेचर की सराहना करते थकते नहीं हैं। और इसके लिए धन्यवाद का हकदार मैं नहीं, आप सब हैं। आप लोगों का व्यवहार, आप लोगों के संस्कार, ये उसके मूल में है। और इसलिए मैं सबसे पहले ये जो बधाइयां मुझे मिलती हैं वो सारी आपको समर्पित करता हूं। इंक्लूसिवनेस और कल्चरल डाइवर्सिटी, विविधता, विशेषता भारतीय समुदाय की ऐसी शक्ति है जो हम सबको प्रतिपल जीवंतता का एहसास कराती है। हजारों वर्षों के कालखंड ने इन वैल्यूज को हमारे भीतर विकसित किया है। आप यहां डेनमार्क में ही देखिए, भारत के अलग अलग राज्यों से लोग यहां आए हैं, बसे हैं। कोई तेलुगु बोलता है, कोई पंजाबी, कोई बांग्ला, कोई मराठी, आने केटला केम छो गुजराती। तो कोई तमिल वड़क्कम से शुरू करता है, तो कोई मलयाली, कोई उड़िया जय जगन्नाथ, कोई कन्नड़ा, तो कोई असमिया। भाषा कोई भी हो, लेकिन सॉरी 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 सॉरी
भाषा अनेक भाव एक। भाषा कोई भी हो लेकिन हम सभी के संस्कार भारतीय ही है। हमारी खाने की थाली बदल जाती है, टेस्ट बदल जाता है, लेकिन स्नेह से बार बार आग्रह करने का भारतीय तरीका कभी नहीं बदलता। और हमें मालूम है कुछ लोगों को तो आग्रह करने का ऐसा स्वभाव होता है कि नमक के लिए भी कर देते हैं। हम राष्ट्र रक्षा के लिए मिलकर खड़े होते हैं, राष्ट्र निर्माण में मिलकर जुटते हैं। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर।